हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज अभिषेक चौधरी और आज है 1 जून और यहाँ पे हमने सारा सामान रेडी कर लिया है, एज इन ब्लेड कटर, हथौड़ी, ड्रिल मशीन, प्लास, पेचकस, कटर, जो भी है सब कुछ सब रख लिया है। अब बस हम सामान उठा के जा रहे हैं। पापा अभी थोड़े कपड़े वपड़े चेंज करने गए हैं, बेसिकली थोड़े ख़राब कपड़े क्योंकि वहाँ पर गंदे होने हैं, तो मैंने भी बस ऐसे जो घर के कपड़े होते हैं वो डाल लिए। अब जाएंगे, मैं और पापा अभी काम स्टार्ट करेंगे। हिमांशु को मैंने फ़ोन करा था, वो शायद सो रहा होगा, तो कोई नहीं, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। एंड ख्वाहिश में हम भी आएंगे थोड़ी देर में, तो जब तक वो दोनों लोग आते हैं तब तक हम लोग मेजर काम जो है वो कर देते हैं, एज इन जो पर्दा उधर से हटा के इस साइड कर रहे हैं एंड फैंस लगाने हैं, मतलब ये सारे काम जो है ये कर देते हैं, ताकि जब वो आएँ तो सीधा फिर सिर्फ वही बस लगाना एंड पेंट करने वाली चीज़ें रह जाएँ। सो यस, आप बने रहें, आपको दिखाएंगे स्टूडियो का रेनोवेशन। भाई आ गए हैं स्टूडियो, सारा सामान वामान लेके। पापा भी आ गए हैं, हिमांशु भाई भी आ गए। पहले हम लोग सोच रहे थे कि हिमांशु के आने से पहले कुछ काम निपटा देंगे, बट जब मैंने स्कूटी उठाई तो स्कूटी में पेट्रोल नहीं था, तो फिर मैं पेट्रोल भरवाने गया और जब तक मैं आया तब तक हिमांशु था। तो अब सबसे पहला काम ये है, इस पूरे पर्दे की ये रॉड यहाँ से निकल के यहाँ लगेगी एंड वो पर्दा भी निकलेगा, एंड स्टूडियो का जो ये वाला फ़ैन है ये यहाँ से निकल के वहाँ लगेगा, एंड इन दोनों पिलर्स पे ये कल जो हम फ़ैन लेके आए थे ये लगेगा, और ये सारे ग्लास वाला पैनल जो है निकलेगा, इस पे पीओपी होगी, सिंपल पेंट करेंगे एंड ये टूट फूट भी सही करेंगे। तो बन रहे हैं, बहुत सारा काम है, दिखाएंगे आपको साथ में। उठा ली भाई हमने 12 फुट की सीढ़ी, इतनी बड़ी, क्योंकि पर्दे वर्दे के लिए हेल्प होगी इसको निकालने में और पेंट वेंट करने में भी, तो 2 दिन के लिए अभी हमारे साथ ही है। तो भाई हमारा पोपट हो गया, हम गलती से 15 फुट वाली उठा के ले आए, तो अब हमें जाके फिर से चेंज करानी पड़ेगी। पर्दा उतर रहा है गाइस, ये लेके आना है हमें। कल जो पंखे लिए थे उसमें ये नहीं था, एज इन ये दीवार पे ठुकता है ऐसे बाहर रहता है और फिर इसके ऊपर वो पंखा हैंग होता है, तो 2 ये लेके आने हैं। तो भाई निकाल दी हमने सारी चमक दमक, क्योंकि पहले ना यहाँ पे होती थी सीलन, तो वो सीलन कवर करने के लिए हमने यहाँ तक लगाया था, बट अब जहाँ जिस वजह से सीलन होती थी वो हमने सही कर दी है, तो अब सीलन होगी नहीं, तो इस पर सही से पुट्टी वगैरह करके पेंट कर देंगे और सिंपल वॉल। तो भाई थोड़ा सा काम निपटा के, मतलब पर्दे का जो स्विच करना था वो करके हम लोग आ गए घर पे, थोड़ा बहुत पेट पूजा करेंगे, मम्मी बना रही है गर्मा गर्म रोटी, तो खाना खा के फिर हिमांशु में आगे का काम करने जाएंगे, पापा लकड़ी वकड़ी काटेंगे, तो बने रहें, आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। तो भाई आज खाने में बनी है आलू और परवल की सब्ज़ी, ठंडा रायता, सलाद, रोटी, हिमांशु भाई अपना लंच लाए हैं, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, तो अब हम खाना खाते हैं। और मैं ना हमेशा पहला निवाला तोड़ चुका होता हूँ, फिर मेरे को याद आता है कि अरे भाई कैप्चर भी तो करना है, तो कोई बात नहीं, आदत डाल रहे हैं। तो भाई नेक्स्ट राउंड इज़ पंखे का, ये लग रहे हैं एक इधर और एक इधर, इसको लगा के देख लिया भाई, बड़ी मुश्किल से जाके हमने ये क्लैंप ढूंढे हैं, कल जब हमने खरीदा था तो ये क्लैंप नहीं मिले थे, तो हिमांशु में जाके भी क्लैंप लेके आए हैं, 100-100 रुपए के एक क्लैंप पंखे में, और 100-100 रुपए जो होते हैं, 1600-1600 रुपए के क्लैंप वाले पंखे हो गए हमारे। तो गाइस पहला पंखा टांग दिया है, पर अभी टांगो मत, पेंट वेंट होना है ना, टांग लूँगा मैं, हाँ वैसे उतार भी लूँगा मैं, रहने दो। तो भाई अंदर दोनों फैंस के जो हैं क्लिप्स लगा दिए हैं, अब लग रहा है ऑफिस वाला फ़ैन जो पहले यहाँ था, यहाँ से अब निकाल दिया है, अब सामने लगाएंगे। तो भाई डन विथ स्टूडियो का ये वाला फ़ैन, अभी टांग दिया है, गंदा है, अभी इसको उतार देंगे जब दादा दीदी आएंगी, और इसको खोल वोल के दे दूँगा ताकि आराम से साफ़ वाफ भी कर दें। तो यस, अभी ये गंद हालत में पड़ा है बट सही हो जाएगा। अब बारी आ रही है भाई लकड़ी काटने की, इसके बाद से हिमांशु मेरा और ख्वाहिश का काम स्टार्ट हो जाएगा पेंट का। यहाँ हमारा सामान निकल रहा है और ये दोनों बाहर बारिश के मजे ले रहे हैं। ये बन गया भाई हमारा ग्रे कलर, ग्रे कलर में येलो, अब बनेगा
ब्लू कलर। आपको नहीं पता ना कैसे बनता है? देख ले भाई, देख ले जादू, देख लो जादू। बच्चों को बच्चों को जादू दिखाने लाए हैं, देख रहे हो? अब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के कलर्स आएंगे, फिर वो मिक्स होके एक बनता है। अगर हल्का सा ढक्कन खुला होगा ना, रंग जाओगे अभी यहीं पे, मोहे रंग दे नीला। तो भाई हम लोग सारा कलर वलर और सारा सामान, सामान कहाँ गया? ये 4 लीटर की बाल्टी है हमारी जो इस कलर की है, डार्क ग्रे, और बाकी ये पन्नी लेके आ गए हम 5 लीटर, और हाँ बाकी सामान ये रहा, रोलर, मास्किंग टेप, POP, ब्रश, सब कुछ। तो भाई अब जाके मेन काम शुरू होने वाला है। तो ख्वाहिश मैम को लग रही है थोड़ी सी भूख, क्योंकि ख्वाहिश मैम कुछ खा के नहीं आई थी, तो उनको थोड़ा बहुत खिला देते हैं यहीं पड़ोसी से समोसे, तो समोसे खिला के देन उसके बाद काम शुरू करवाएंगे क्योंकि। तो भाई स्टूडियो में काम करने की रिश्वत देनी पड़ती है मज़दूरों को दिहाड़ी के लिए, तो इनको हम खिलाने लाए हैं रोल, और ये मेरा है भाई, इधर दे। हाँ ये तो शक्ल देख लो एक बार इसके, पूरे मुंह पे सान रखा है इसने भाई। मान लिया फ्री का खा रहे हो, इसका मतलब थोड़ी पूरे मुंह पे सान लोगे। वो लड़की पीछे से गाली दे रही है, आ रहा ना चूत क्या है क्या। गाइस इन क्लमजी लोगों को देखो, ये खा कम रहे हैं गिरा ज्यादा रहे हैं। दिखा दिखा कपड़े दिखा, अरे दिखा दे दिख रहे हैं ना, ये मुंह पे लगा रही थी, ये कपड़ों पे लगा रही है, खाना ही नहीं आता गरीबों को। गाइस रोल को खाने का नहीं तरीका, रोल को खोल दो और रोटी और सब्जी की तरह खाओ। मतलब ये इतनी क्लमजी है ना कि अगर इसको खाने के लिए बाहर ले जाओ उतने में पूरे व्लॉग का कंटेंट दे देगी। देख रहे भाई, ये पनीर रोल नहीं, पनीर की सब्जी और रोटी होगी अब, पनीर की सब्जी और नान। कोई जगह देख के बोलेगा कि ये डांस स्टूडियो है, हैं? गाइस कल तक देखना कितना सही साफ सलामत। ओ भाई ये भूतिया हाथ किसका है शीशे पे? फर्स्ट पेंट बॉक्स हमने ओपन कर दिया है जो कि है ब्लैक कलर का। कहाँ जा रही थी तू ऊपर? नंगे पैर भी कर सकते हो। तो गाइस ब्लैक डालते हैं, हाँ सॉक्स होता है, नंगे पैर और क्या होता है? मर्जी है भाई, लेट्स गो। ये हमारे पिछले साल का पेंट था गाइस जो बच गया था, ये पिछले साल का पेंट हमारा जो बच गया था इस साल यूज होगा। इसमें भी देखो बहुत सारे कलर मिक्स हो रखे हैं। ये तो टट्टी है, ये तो उल्टी है, ये तो वही गोलगप्पा है जो आपने खाया था। हिमांशु भाई इज बैक, क्लास दे के हिमांशु भाई वापस आ गए। भाई सीढ़ी पकड़ लो भाई। अब अंशिका जो है वहाँ की, वो जो भी पपड़ी वपड़ी थी वो हटा रही है। हिमांशु भाई मास्किंग टेप से काम करेंगे, मतलब मैंने जो मास्किंग टेप से अभी ये कवर करा है ऐसा ही बाकी हिमांशु आगे तक कवर करेगा, और मैं बनाने जा रहा हूँ तसले में POP, ताकि जो भी ये टूटा फूटा दीवार थी ये सब मैं इससे अभी कवर करूँगा। सो लेट्स गो गाइस, बहुत सारा काम बचा है, मिलते हैं। ये ड्राई होते जा रही है, पत्थर बनते जा रही है, देख तो सर से जीरा का रंग ले फुला पानी वो जो बना है ना, चिकनी मिट्टी के तेल ठेले मार देता है ऐसे भाई। भाई क्या करो इसमें, मैं डेली का थोड़ी को जोर से पत्थर बन गए भाई, क्या कह रहे हो उसका क्या करूं? पानी कहां से मांग पानी, ये देख बाकी मैं ऐसा लग रहा है वो नहीं होता है। हिमांशु सर प्रोफेशनल, हम इतने बेकार हैं इस काम में। वो पहले से इतना उठा हुआ है, ओ शेप देते हैं, पता नहीं क्या करेगा सर। वो ठीक है लेकिन आपने सीखा कहाँ है? क्या आपने ये सब सीखा कहाँ?
सब सीखा यार भाई, जब घर बनते हैं तो करते ही आते बचपन में, देखते ही थे। क्या करें, अभी भी दिख रहा थोड़ा। क्या आप ऐसे छेड़ते मुझे हर बात में, कब फेल हो गए तो पापा को बुला दे। यहाँ पे अभी कुछ भी हो सकता है भाई, पत्थर बन गया ये देखो, आवाज भी आई है जिसको अगर फेंकूंगी तो। फेंकूं आपके? ओ भाई कर तो अच्छा रे। उसको करने दो आप, इनको आप तो छूना मत कहीं पे भी, बता रही हूँ मैं आपको। गाइस अब ये फिर कुछ ऐसा करेंगे कि अभी बर्बाद होगा। इसको साफ करें, मैं क्यों करूँ? दोनों हाथों मिट्टी ऐसी है। गाइस देखो अभी फिर देखना, खराब काम खराब करेंगे। क्या हमेशा काम खराब ही होगा? ठीक है गाइस, ऐसे तो करते भी नहीं है, इसके ऊपर पेंट कैसे करोगे अभी? अरे अभी समझ आएगा भाई, गाइस देखते जाओ गाइस, राजमिस्त्री ऐसी थोड़ी बन गए हम, कुछ सीखो उधर देख के। अरे यार भाई है मेरा वो, तभी आपसे अच्छा कर रहे हैं क्या? टूल्स की जरूरत पड़ रही है, मैं मेरे लिए उंगलियां काफी है भाई, तभी तो इतना गंदा कर रहे हो। गजब बेइज्जती है। ये कर दूं कॉल? हां कर यार, पापा को बुला भाई, हमसे नौकरी चाहिए। अभिषेक राजमिस्त्री आपकी सेवा में हाजिर भाई। देख लो, हमें डांस भी आता है, हमें गाना भी आता है, हमें मजदूरी भी आती है। नहीं आती ये, नहीं ऐसे ना आना कहते हैं। ये लगाई ना लगाई? वो तो सर ने लगाई, आप क्या कर रहे हो? कदर नहीं है ना भाई। नहीं भाई कोई बेटर तो नहीं, देख फैल रहा है वो पानी का भाई, पानी है भाई, भाई गिर रहा भाई, कबूतर की टट्टी है। क्योंकि पीओपी है भाई, टुट्टी नहीं है ना। बड़ा भाई ये देखो क्या किया भैया ने। यार आपने पीओपी की क्यों बोला लाने के लिए? वाइट पुट्टी नहीं लानी चाहिए थी, वाइट पुट्टी नहीं लानी चाहिए थी। हाँ बात पुट्टी लानी थी तो पीओपी क्यों बोल रहे थे तब से? मैं पीओपी लेके आया, ये पत्थर बनते जा रहे हैं हर दो मिनट में। असली में लगा भी हुआ है? लगा भी हुआ है। अरे वो मैंने यूं करा, छींटा आया मुंह पे मैंने, कर ले हो गया, आपकी आंख पे जम जाएगा। तो उधर पड़ा है बिल, वो पड़ा है बैग पीओपी, उसको वापस करो तो पुट्टी ले आओ। नौ नहीं, अरे बंद नहीं होती यार, 9 बजे जल्दी जाओ लेके आओ। पापा नहीं होती यार, मैं आप थोड़ा सही लग रहे हो, मेरी हालत देखो एक बार। अरे चले जाओ, नहीं करवाना रेट कम, चले जाओ जल्दी जाओ। तू क्या ब्लॉक कर रही है? तो भाई फाइनली आफ्टर इतनी मेहनत डन कर दिया भाई मैंने ये पूरा डन। मैं इनको कदब से बोल रहा था कि ऐसे कर सकते हैं पर नहीं कर रहे थे, पुट्टी से फिर मैंने करना शुरू करा, अब हो गया फाइनली। शराब दोनों ने मिलके करा यार। नहीं भाई ये वाला मैंने एंडा भेंडा सा मैंने बनाया था, और वो भी मैंने बनाया गया था, थोड़ा सा लगाया था, फिर हेमू ने खींचा, फिर ये वाला ख्वाहिश ने खींचा, फिर ये पूरा यहाँ से वहाँ तक हेमू खींचते गया। ये मैंने कोशिश करी थी बट या ये बहुत जल्दी जल्दी बन जा रहा था यार, सूख जा रहा था, मेरी गलती नहीं है इसमें, तो मेरे से नहीं हुआ तो हेमू को पत्ती खींच खींच के खेच दिया भाई ने। चले खाना खाने, अब डिनर ब्रेक है हमारा, चलो। सो भाई आज मम्मी ने बनाया खाने में खिचड़ी, और हम लोग दही लेके आ गए हैं, तो जल्दी से डिनर करते हैं एंड देन उसके बाद वापस कहाँ पे? काम या
तीनों लगे रहेंगे भाई रात भर आज। तो गाइस अब कहाँ जा रहे हो? तो अब इनकी दिहाड़ी जो है इन दोनों की ख़त्म ही नहीं हो रही, कभी ये खाना है कभी वो खाना है, अब इनको हो गया आइसक्रीम खाने का। तो अब ये लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, देखते हैं भाई कितने का खर्चा करवाते हैं यहाँ पे। रोल तो खा ही लिया इन्होंने, अब आइसक्रीम भी खाएंगे। ये चाट रही है सही में भाई, छिपकली को नया क्लैम्प पसंद आ गया टेस्ट वाइज। अभी तो बस ये टेपिंग करी यार, बट वीडियो में सही लग रहा है, है ना? सेम कलर होने के बाद अच्छा लगेगा। ये गंदगी की पुट्टी, ये हमारे छोटे बच्चों के सर का तेल है, ये छिप जाएगा। है भाई तीन तीन पाँच पाँच साल वाले इतने तो आते हैं। कौन सा की भाई? 4 लीटर, 4 लीटर ग्रेवी। ये ग्रेवी, ये ग्रेवी ये लोग पिया क्योंकि ये खट्टी है। कौन सी भाई खट्टी भाई? इन जनरल काफी सारे कलर्स को मिलके एक टेक्सचर बनता है, तो इसलिए अच्छा हमको बता रही है। ये सुंदर लग रहा है। जंडो और वाइट को मिला दो और डार्क कलर 40 के वो आ रहे हैं, ब्लैक और रेड, ऑरेंज रेड है यार। भैया कुछ तो बोलो, इतने सारे हम सारे बैठे हुए थे खाली। भैया जो आप बोल रहे थे वो बोलो व्लॉग में, कुछ तो बोलो। मैं रिकॉर्ड हमारी भी फटी हुई है इसलिए हम पन्नी की भी फाड़ रहे हैं। वाओ गाइस भैया इज सो फनी। हां पेंट बन गया भाई। गाइस रात से हो गया दिन और हम लोग अभी तक यहाँ पे काम कर रहे थे, बट सारी वॉल्स गाइस, सारी वॉल्स, ये वाली वॉल, वो वाला बोर्ड, पंखा, ये जो वाइट वाइट कलर का पाइप है, ये इस वाली वॉल का भी कलाकारी करनी है भाई कल, वो देखना आप, बहुत मेहनत करी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का व्लॉग, जल्दी मिलते हैं कल के आज के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।